हेलो दोस्तों, टेक वर्ल्ड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज शाओमी का एक रेडमी नोट 4 का लॉन्च इवेंट था वो अब ख़त्म हो चुका है, तो उस इवेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या प्राइजेज रिवील की गई और क्या क्या इसमें चेंजेस है रेडमी नोट 3 से। तो आप एंड तक बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, जो आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ये चाइना की वेबसाइट है, तो इसमें जो आपको प्राइजेस और मॉडल्स वगैरह देखने को मिल रहे होंगे इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं इंडिया में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिज़ाइन में क्या क्या चेंजेस है। तो डिज़ाइन की बात करें तो आपको जो रेडमी का नोट 4 है उसमें भी फुल मेटल बॉडी डिज़ाइन देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा जो इसकी थिकनेस दी गई है वो 8.45 mm की थिकनेस दी गई है रेडमी नोट 4 में। साथ में इसमें आपको टेपर्ड एजेस देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस फोटो में जो एजेस है साइड की तरफ से थोड़े स्लिम कर दिए गए हैं, और वो स्लिमनेस है वो 5 mm तक चली जाती है। जो एक्चुअल फ़ोन की थिकनेस है वो 8.45 mm थिकनेस है, लेकिन जो एजेस है वो से 5 mm थिकनेस तक चली जाती है, जिससे ये फ़ोन आपको हैंड में काफ़ी थिक लगने वाला है और काफ़ी स्लिम लगने वाला है। साथ में जो रेडमी के नोट 4 सीरीज़ का फ़ोन है वो 2.5D कर्व ग्लास के साथ आने वाला है। ये पहला रेडमी का 4 है जो इस ग्लास के साथ आने वाला है। साथ में बता दूं, इस बार भी शाओमी ने इसमें स्क्रीन के प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं बताया है कि इसमें कौन सा ग्लास दिया गया है, लेकिन इसमें एक नॉर्मल प्रोटेक्शन के साथ या नॉर्मल स्क्रैच प्रोटेक्शन वाला लेमिनेटेड ग्लास दिया गया है। साथ में डिज़ाइन में एक और चेंज हुआ है, जो आपको एंटीना लाइन्स देखने को मिल रही है वो आपको सिल्वर कलर में देखने को मिलेगी, इससे आपके फ़ोन का लुक काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा और वो काफ़ी प्रीमियम फिनिश देगा। और कुछ फीचर्स की बात करें या डिज़ाइन चेंजेस की बात करें तो इसमें जो आपको स्पीकर ग्रिल है वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। जो पीछे स्पीकर ग्रिल थी जिससे आपका साउंड अगर किसी फ्लैट सरफेस पर रखा होता था तो जो वॉल्यूम है वो कम सुनाई देती थी, अब इसे नीचे कर दिया गया है और एक स्पीकर ग्रिल रहेगी नीचे और एक रहेगा माइक, तो ये देखने में भी काफ़ी प्रीमियम फिनिश देने वाला है। एक और डिज़ाइन चेंज की बात करूँ तो शाओमी के लॉन्च इवेंट में जिसे बताया गया है वो है सिमेट्री। ये कुछ खास चेंज नहीं है, लेकिन शाओमी के इस लॉन्च इवेंट में इसे बताया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो है सिमेट्री। आप देख सकते हैं पहले जो रेडमी नोट 3 था उसमें सेंसर्स दोनों एक ही साइड में दिए गए, तो इसमें एक साइड सेंसर अलग कर दिया गया है और एक साइड कैमरा कर दिया गया है, जिससे ये सिमेट्री हो जाती है। नीचे आपको इसी तरह का से स्पीकर ग्रिल भी अलग अलग करके दी गई और बीच में चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जिससे यहाँ भी सिमेट्री हो जाती है। ऊपर भी सेम, एक तरफ 3.5 mm जैक कर दिया गया है और एक तरफ साथ में आयर ब्लास्टर दे दिया गया, जिससे ऊपर भी सिमेट्री हो जाती है और पीछे से फ़ोन पहले से ही सिमेट्रिक था। ये कुछ खास चेंज नहीं है, लेकिन उसे लॉन्च इवेंट में बताया गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो सबसे बड़ा चेंज है इंडिया में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिया में आपको इसमें नया कलर ऐड किया गया है, वो है मैट ब्लैक फिनिश वाला, और उसके ऊपर जो एंटीना लाइन्स है वो सिल्वर कलर की मिलेगी, जिससे वो दिखने में काफ़ी अच्छा लुक देने वाला है। और साथ में जो दो और कलर दिए गए हैं वो है गोल्ड और डार्क ग्रे, यानी कि सिल्वर कलर को इसमें से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें भी जो कलर था वो ब्लैक दिखाया गया था, तो ये इस फ़ोन के लुक में सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट कहा जा सकता है। अब कुछ और फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें 4050 mAh के बदले 4100 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो इसमें 14 नैनोमीटर की चिप पर आधारित स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट माना जाता है। जो 650 प्रोसेसर रेडमी नोट 3 में आता था वो 28 नैनोमीटर की चिप पर बना था, जिससे बैटरी बैकअप रेडमी नोट 4 में 25% तक इंक्रीज़ होने की बात कही गई है, और ये हमने काफ़ी 625 पर आधारित प्रोसेसरों में देखा भी है। लेकिन इसमें जो परफॉर्मेंस है वो 650 के बराबर नहीं मिलने वाली है। इससे रिलेटेड मैं कुछ और वीडियोज़ अपने अगले रिव्यूज़ में बनाने वाला हूँ। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 13 MP का कैमरा दिया गया है, जिसमें शाओमी ने इस बार सीमोस का सेंसर यूज़ करा है, जिसमें 1.12 माइक्रोन का पिक्सल साइज़ दी गई है। आगे की तरफ बात करें तो शाओमी ने फिर से फ्रंट में 5 MP का ही कैमरा रखा है, और जो स्क्रीन है वो 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन देखने को मिलेगी। बटन्स है वो इसमें फिज़िकल ही रखे गए हैं, यानी कि मैं कहूँ तो इसमें ऑन स्क्रीन बटन नहीं देखने को मिलेंगे, जिससे स्क्रीन के आपको फुल यूजेज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कुछ और फीचर्स की बात करें तो ये आपको वोल्टी की सपोर्ट के साथ ही आने वाला है। इसमें आपको फिर से हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप दो सिम
या एक माइक्रो एसडी और एक सिम यूज़ कर सकते हैं। और जो माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट है वो 32 GB से बढ़ाकर 128 GB तक का कर दिया गया है। साथ में इसमें आपको MIUI 8 प्रीबिल्ट मिलने वाला है। और शाओमी ने इसमें एक और बड़ा चेंज किया है, वो आप सबके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगा। इसमें आप Android 7.0 नोगट का प्रीव्यू भी डाउनलोड कर सकते हैं। शाओमी ने इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। उसका शाओमी का ऐसा कहना है कि इसका बीटा अपडेट भी रिलीज़ होने वाला है, तो जो लोग हैं, जो बीटा टेस्टर्स हैं, वो इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही ये बीटा अपडेट पूरी तरह से बग फ्री हो जाएगा, इसे जल्दी से जल्दी नोगट में अपडेट कर दिया जाएगा सभी यूज़र्स के लिए। अब सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं, वो है प्राइस की। तो शाओमी ने एक बार फिर प्राइस के मामले में सारे फ़ोन्स को बीट कर दिया है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि काफ़ी हद तक 2017 में आने वाले स्मार्टफोन्स के लिए फिर से एक बेंचमार्क सेट कर दिया है प्राइस के मामले में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके 2 GB 32 GB मॉडल वाले की। तो जो शाओमी ने रेडमी नोट 3 में आता था 2 GB 16 GB वाला मॉडल 9999 में, उसकी जगह 9999 ही अब 2 GB 32 GB वाला मॉडल देने का फैसला किया है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आपको 16 GB की इंटरनल मेमोरी ज़्यादा मिलेगी सेम प्राइस में। अब बात करें अगले मॉडल की, तो आपको मिलेगा 3 GB 32 GB वाले मॉडल में, यानी कि 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी। और इसकी प्राइस रखी गई है 10,999, जो कि आपको पहले रेडमी नोट 3 था सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिलता था 12,000 में, यानी कि 11,999 में। अब अगले मॉडल की बात करें, जो शाओमी ने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है वो है 4 GB 64 GB वाला मॉडल। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल कहा जा सकता है जिनको ज़्यादा मेमोरी चाहिए और साथ में वो ड्यूल सिम भी यूज़ करना चाहते हैं, तो वो 64 GB इंटरनल और 4 GB रैम वाला मॉडल ले सकते हैं। और इसकी प्राइस भी 12,999 रखी गई है, मतलब 13,000 में आपको 4 GB 64 GB वाला मॉडल मिल जाएगा। और ये आपको एक और चीज़ मैं बताऊँ, तो शाओमी का जो रेडमी नोट 4 का स्नैपड्रैगन वेरियंट है वो ग्लोबली सबसे पहले इंडिया में लॉन्च किया गया है। इससे पहले जो लॉन्च किया गया मॉडल था वो चाइना में हीलियो के X20 प्रोसेसर यानी मीडिया टेक के प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आप मेरे अगले वीडियोस में लेकर आने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इसे सब्सक्राइब करके रखिए।